पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शांति प्रेतार्थ जो परिषद चतुर्थ अध्याय तृतीय ब्राह्मण तेईसवें कंडिका के लिए विचार चल रहा था। नहीं प्रस्तुत करते विवरणों को बीतते अविनाशत्वा, इस वाक्य के ऊपर विचार चल रहा है। त्रिजंतम दृष्टिशत आश्रित संगति, दृष्टु जो षष्ठंत पद है उसमें दृष धातु से त्रिज प्रत्यय करके दृष्टि शब्द बनाया गया है। तो ये त्रिजंत है त्रिज प्रत्यय, त्रिचल सूत्र से दृष धातु से त्रिज प्रत्यय करने पर दृष्टि बना हुआ है और दृष्टि का षष्ठी है दृष्टु। त्रिजंतम दृष्टिशतम आश्रित संगति का ये त्रिज प्रत्यय जो होता है अनित्य कर्ता में होता है, नित्य कर्ता में नहीं होता, कभी हो कभी ना हो काम करने वाला उसमें होता है। त्रिज प्रत्यय अनित्य कर्ता में होता है, ये पूर्वाधिक संख्या करना है। त्रिजंतम दृष्टिशतम आश्रित संगति, त्रिज प्रत्यय दृष्टु शब्द जो दिया हुआ है दृष्टु दृष्टि विभिन्न रूपों विद्य देव दासात्मा दृष्टि शब्द जो बनाया है दृष धातु से त्रिज प्रत्यय करते हैं। तो ये त्रिजंत जो त्रिज प्रत्यय दृष्टि शब्द है उसको आश्रय लेकर के पूर्वादी शंका करता है। शंका यह है नानु अनित्य क्रिया कर्तृत्व विषय एवं त्रिज प्रत्यय शब्द से प्रयोग दृष्ट हो, अनित्य क्रिया का कर्ता ये त्रिज प्रत्यय लगता है, नित्य क्रिया नहीं होती यहाँ। जैसे देवदत्त तो पाचक बोलते हैं, गंता बोलते हैं, हमेशा नहीं जाता, कभी कभी जाता है, अनित्य क्रिया है, नित्य क्रिया नहीं है। गंता जो गंता तो उसे त्रिज करके गंता बनाया जाता है, वह अनित्य क्रिया का जो कर्ता होगा उस विषय में त्रिज प्रत्यय लगता है। त्रिज प्रत्यय का अर्थ कर्ता, अनित्य गमन करता, अनित्य दृष्टि करता, ये कहना है। नानो अनित्य क्रिया कर्तृ विषय है, जो अनित्य क्रिया का कर्ता के विषय में त्रित प्रत्यंत से शब्द से प्रयोग दृष्ट, त्रित प्रत्यंत शब्द जैसे दृष्टि शब्द है प्रयोग दृष्ट देखा गया है। यथा छिद्धा भिद्धा गंता, जैसे छिद्धातु से त्रिज करके छिद्धा बनाया जाता है, भिद्धातु से त्रिज करके भिद्धा बनाया जाता है, कभी कभी भेदन करता है काष्ठा आदि फाड़ता है हमेशा नहीं करता, कभी कभी काटता है हमेशा नहीं काटता। गंता आदि जैसे गंता बने जान जाने वाला गमन करने वाला हमेशा गमन नहीं करता, कभी कभी करता है, गमन क्रिया अनित्य है। उस अनित्य क्रिया विशिष्ट करता है त्रिज प्रत्यय होता है, कर्ता अर्थ में त्रिज होता है। तो यहाँ भी त्रिज प्रत्यय है, यहाँ दृष्टु शब्द तो दिया है ना, दृष्टु दृष्टि विपरीत लोगों की दृष्टि अविनाशत्वात् में त्रिज प्रत्यय सुनाई पड़ रहा है। तो त्रिज प्रत्यय कर्ता अर्थ में होता है, अनित्य क्रिया के कर्ता में त्रिज प्रत्यय किया जाता है। तो यहाँ भी अनित्य क्रिया का कर्ता होगा तो उसका विपरलोप नहीं होता, नहीं होना चाहिए, अभाव हो जाना चाहिए। त्रिज प्रत्यय दृष्टि शब्द दिया त्रिज प्रत्यंत है, तो क्रिया दर्शन क्रिया अनित्य होनी चाहिए, उसका विनाश होना सुसूक्त में नहीं है, ये पूर्वादि करना चाहते हैं। तो यही है यदि चेत ना सिद्धांत बोलते ऐसा नहीं, प्रकाश इता इति दृष्टत्वात् सिद्धांति कहते नहीं, देखो आदित्य को प्रकाश हिता बोलते हैं, नित्य प्रकाश स्वरूप है और प्रकाश क्रिया अनित्य नहीं, वहाँ नित्य है आदित्य होते हुए भी प्रकाश हिता त्रिज प्रत्यय सुनाई पड़ता है। नित्य क्रिया विशेषण जो करता होगा उसमें भी त्रिज प्रत्यय का प्रयोग दिखाई पड़ता है, यहाँ भी ऐसा ही है। नित्य दर्शन वाला है, अनित्य दर्शन वाला नहीं, आत्मा नित्य दर्शन स्वरूप है, उसमें त्रिज प्रत्यय लगा हुआ है। जैसे आदित्य के लिए प्रयोग होता है प्रकाशिता आदित्य प्रकाशिता, आदित्य प्रकाश करता है बोलते हैं, किंतु वह प्रकाश अनित्य प्रकाश नहीं करता, नित्य प्रकाश है आदित्य। एक सिद्धांत अनित्य में ही त्रिज प्रत्यय होता है, नित्य में भी त्रिज प्रत्यय होता है, नित्य क्रिया विशिष्ट करता में भी त्रिज प्रत्यय होता है। जैसे आदित्य के लिए प्रयोग कर दिया जाता है प्रकाशिता। चार की टिप्पणी कहते हैं प्रकाश कदाचित कदाचित क्रिया बिना भी, कभी कभी होने वाली क्रिया के बिना भी, अनित्य क्रिया के बिना भी सविता प्रकाश हिता ऐसे भी प्रयोग होता है। सूर्य प्रकाश करता है, मान प्रकाश जो क्रिया है
और सूर्य का नित्य है, अनित्य नहीं है। ऐसे में भी त्रिस प्रत्यय का प्रयोग देखा गया। और व्याप्तिर व्यप्त, आकाश व्याप्त है, पहले से व्याप्त करता है बोलते हैं, बी पूर्वक आप धातु से त्रिस करके व्याप्तिर बना देगा व्याप्तिर। तो व्याप्तिर व्यप्त ऐसा प्रयोग हुआ, जैसे आकाश व्याप्त करता है बोलते, नित्य व्याप्त है, व्याप्त क्रिया नित्य होते हुए भी व्याप्ति शब्द का प्रयोग होता है, त्रिस प्रत्यय किया जाता है नित्य में, नित्य क्रिया विशिष्ट करता में भी त्रिस देखा गया है, ये सिद्धांत किया इति त्रिस प्रत्यय दर्शनाद, यहाँ भी त्रिस प्रत्यय देखा है, त्रिस प्रयोग दर्शन, त्रिस प्रत्यय का दर्शन देखा गया। दृष्टि स्वरूप हो आत्मा, आत्मा स्वयं दृष्टि स्वरूप है, अनित्य दृष्टि वाला नहीं आत्मा, पूर्वादि का कारण था जागृत स्वप्न में तो दृष्टि आ जाती, आगत तो वे दृष्टि आत्मा में, दृष्टि के दृष्टि का नाश नहीं होता, मन स्वप्न सुषुप्ति में नहीं है, पूर्वादि का नहीं है, दृष्टि स्वरूप हो भी आत्मा, आत्मा दृष्टि स्वरूप है, दर्शन क्रिया विशिष्ट ही आत्मा दृष्टि स्वरूप होते हुए भी आत्मा दृष्टा है, अविरुद्ध आत्मा को दृष्टा होने में कोई विरोध यहाँ नहीं है। मान अनित्य क्रिया में ही क्रिया विशिष्ट करता में ही त्रित प्रत्यय होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है, नित्य क्रिया विशिष्ट करता में भी त्रित प्रत्यय देखा, कहा आदित्य प्रकाश है इत्यादि में देखा, आदित्य प्रकाश है इति, आदित्य में नित्य प्रकाश क्रिया है होते हुए भी प्रकाश है इति का प्रयोग होता है, करता ऐसा होता है, ठीक इसी प्रकार यहाँ भी नित्य नित्य दृष्टि स्वरूप आत्मा में भी ये हो जाता है, दृष्टि शब्द का प्रयोग हो जाता है। एक कहा भवतु, पूर्वादि बोलते हैं महाराज आदित्य में प्रकाश का कहना हो जाता है, त्रित प्रत्यय हो जाता है, क्यों भवतु प्रकाश प्रकाश के प्रकाश केशु अन्यथा समझो प्रकाशक वस्तु है, आदित्य प्रकाशक वस्तु है, प्रकाश स्वरूप है, प्रकाशक वस्तु है, तो अन्य प्रकार से वहाँ त्रित प्रत्यय मानना संभव नहीं है, अनित्य कर्ता मानना संभव नहीं, त्रित प्रत्यय का अनित्य मानना संभव नहीं, क्यों वो प्रकाशक पदार्थ है, स्वयं प्रकाश है पदार्थ, न तो आत्मा ने आत्मा में तो नहीं है ना, ऐसा पूर्वादि ऐसे संकल्प करेगा, हो त्रित प्रत्यय कर्ता अर्थ में हो, नित्य में नित्य क्रिया विशिष्ट में हो, क्यों प्रकाश के ऐसी वस्तु सुखा जो प्रकाशक वस्तु है आदित्य आदि उनमें तो त्रिस प्रत्यय नित्य हो सकता है, किंतु न तो आत्मा नहीं है, आत्मा में तो नहीं सकता त्रिस प्रत्यय, आत्मा प्रकाशक नहीं है, तो प्रकाशक वस्तु है, स्वयं प्रकाश वस्तु है, प्रकाशक वस्तु है, उसमें माने नित्य क्रिया विशिष्ट में भी ये प्रयोग हो जाता है, त्रिस प्रत्यय हो जाता है, प्रकाशिता आदित्य इत्यादि बोला जाता है, किंतु आत्मा प्रकाशक नहीं है, नित्य प्रकाश प्रकाशन वस्तु स्वरूप वस्तु नहीं है, यदि चेत ऐसा बोलवा बोले तो सिद्धांत न दृष्टि अभिपरिलोप श्रुते नहीं द्रष्टु दृष्टि विपरिलोप विद्यते अविनाश होगा, ये श्रुति है प्रमाण, आत्मा प्रकाश रूप है, आत्मा की जो दृष्टि है दृष्टि माने दर्शन रूप है, आत्मा प्रकाश रूप उसका लोप कभी नहीं होता, क्यों सुषुप्ति में भी प्रकाश है वह विशेष दर्शन का अभाव है, सामान्य ज्ञान है ना, दृष्टि अभिपरिलोप श्रुते है, दृष्टि का विपरिलोप नहीं होता, अभाव नहीं होता, श्रुति यही श्रुति है, यही बोल रही श्रुति इसी का टीका श्रुते है, कहा टिप्पणी एक नंबर कहते हैं स्वयं ज्योतिषशास्त्राच प्रत्यगात्मा प्रकाशक ज्योतिषावित ज्योतिष तमेवेद शास्त्र, आत्मा को प्रकाश रूप से कई जगह कहा हुआ है, जैसे आदित्यादि प्रकाश रूप है, आत्मा भी प्रकाश रूप है, कई जगह कहते हैं स्वयं ज्योतिष तो शास्त्राच यही अत्र आय पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवती आया, पंद्रहवें खंडिका में आया, सोलहवें खंडिका में, सत्रहवें खंडिका में, तीन खंडिका में आया था, स्वयं ज्योतिष शास्त्राच यहाँ दृष्टि अभिपरिलोप श्रुते यहाँ आया, नहीं द्रष्टु दृष्टि विपरिलोप विद्यते, दृष्टा की जो दृष्टि दृष्टारूप जो दृष्टि है उसका लोप नहीं होता, साक्षी का अभाव नहीं होता, कहा दृष्टा की दृष्टि से दृष्टारूप दृष्टि, और स्वयं ज्योतिष शास्त्र शास्त्र में यही इसी तृतीय ब्राह्मण चतुर्थ तृतीय ज्योति ब्राह्मण में ही पंद्रदश खंडिका सोलह खंडिका सप्तदश खंडिका में स्वयं ज्योतिष कहा था, अतः आय पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवती, ये शास्त्र से भी प्रत्येगात्मा प्रकाशक, प्रत्येगात्मा प्रकाशक है, जैसे आदित्य आदि प्रकाशक है वैसे प्रकार ये भी प्रकाशक है, तो नित्य प्रकाश वाले में भी त्रित प्रत्येक का कारण हो जाता है,
जैसे आदित्य के लिए आदित्य प्रकाश है, ऐसा प्रयोग हुआ है, इस प्रकाश है किताब, इसी प्रकार ज्योतिषाम अभितर ज्योतिष तबे तीर्थ शास्त्र और भी शास्त्र है। ज्योतिषाम अभितर ज्योति, ज्योति मतलब ज्योति कहा गीता में, तमसा पर पुच्छते गीता के त्रयोदश अध्याय कहा है ज्योतिषाम अभितर ज्योति, जितने भी ज्योति है ना, जितने प्रकाश वस्तु है उसके भी ज्योति आत्म ज्योति, आत्म ज्योति से प्रकाशित होकर के आदित्य आदि प्रकाश करते हैं। ज्योतिषाम अभितर ज्योति गीता के त्रयोदश अध्याय में कहा है ज्योतियों का भी ज्योति है, प्रकाशों का भी प्रकाश, आदित्य आदि जो प्रकाश प्राप्त है प्रकाशक वस्तु माना जाता है, आत्म प्रकाश से प्रकाशित होने के बाद में प्रकाश करते हैं, स्वतः इनमें नहीं है प्रकाश करते हो। ज्योतिषाभिता ज्योति और तमेव इतिहास होता तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वविदम अनुभाति श्वेता शुद्ध परिस्थित आया, उसी के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं सारे विचार, सारे प्रकाश करते हैं उसके द्वारा प्रकाशित होने पर प्रकाश करते हैं, आत्मा के द्वारा आत्मा प्रकाश से प्रकाशित होने पर आदि इत्यादि प्रकाश करते हैं इत्यादि शास्त्र होने से कहा। चकार भी दिया है स्वयं ज्योतिष शास्त्र भारतीय चाह से क्या लगा चकार दृष्टादे प्रमात्र आदि जाग्ञा जो दृष्टादि प्रमात्र आदि आदि जड़ होने से न स्वतो भाव, इनमें भी स्वतमान प्रमाता में भी स्वतमान जड़ है वो इस साक्षी के द्वारा प्रकाशित होने पर चैतन्य भाषता है इसमें भी कहा युक्ति समझे आता है युक्ति के लिए कहा। पूर्वादि कहता है पश्यामी न पश्यामी इति अनुभव दर्शनात् आत्मा स्वयं प्रकाश नहीं है, प्रकाश स्वरूप नहीं आत्मा, यदि ऐसा होता तो कभी पश्यामी बोलता देखता हूँ बोलता है, कभी न पश्यामी बोलता है नहीं देखता हूँ बोलता है, यदि प्रकाश रूप तो हमेशा पश्यामी कहना चाहिए देखता हूँ बोलना चाहिए, न देखता हूँ भी बोलता है प्रकाश का अभाव दिखाता है, ये पूर्वादि की शंका। पश्यामी न पश्यामी यदि अनुभव दर्शनाथ ऐसा अनुभव है, हर व्यक्ति बोलता है पश्यामी न पश्यामी दोनों प्रयोग करता है, देखता हूँ नहीं देखता हूँ, नहीं देखता हूँ मैंने उस काल में प्रकाश है, पश्यामी काल में प्रकाश है, तो पश्यामी न पश्यामी इति अनुभव दर्शनात् न आत्मा स्वयं प्रकाश नहीं है, जब अन्य के द्वारा प्रकाशित होता है तो पश्यामी बोलता है, अन्य के द्वारा प्रकाशित नहीं होता तो अब न पश्यामी बोलता है, स्वयं प्रकाश नहीं आत्मा, ये पूर्वादि की कहना है। पश्यामी न पश्यामी इति अनुभव दर्शनात् न उसका दृष्टि का अभाव नहीं होता, नहीं अभाव हो जाता है यदि दृष्टि स्वरूप आत्मा हो प्रकाश रूप आत्मा हो तो हमेशा पश्यामी का प्रयोग करना चाहिए, कभी बोलता है पश्यामी देखता हूँ, कभी बोलता है न पश्यामी नहीं देखता हूँ, कैसे प्रयोग हो सकता है, इसलिए मैं प्रकाश रूप आत्मा नहीं है, दृष्टा दृष्टि एक नहीं है, यह पूर्वादि का कहना है। सिद्धांत निषेध कर दीजिए नौ बोलेंगे, दो नंबर टिप्पणी में कहते हैं पश्यामी इत्यादि एवं कदाचित दर्शनवत्व प्रतिदेय उसके दर्शन जो होता है ना कालाचित हो रहा है, पश्यामी बोलता है कभी कभी बोलता है, हमेशा पश्यामी नहीं बोलता न पश्यामी भी कहता है, तो कालाचित का कभी कभी अनित्य दर्शन है आत्मा में, यदि नित्य दर्शन वाला होता तो न पश्यामी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, देखता हूँ ही बोलना चाहिए हमेशा। एवं कालाचित का दर्शन वत्व प्रतीत, इस प्रकार कालाचित दर्शनवान को प्रतीति होने से दर्शन वत्व का प्रतीति होने से न कूटस्थ दृष्टि आत्मा, कूटस्थ निर्लिप दृष्टि आत्मा नहीं है, निर्विकार दृष्टि आत्मा नहीं विकारी है, आत्मा विकारी है, क्यों पश्यामी न पश्यामी अनित्य दृष्टि दिखाता है, ये पूर्व अधिक शंका हो गई। सिद्धांत कहते ना ऐसी बात नहीं है, करण व्यापार विशेष अपेक्षित कहते हैं आत्मा नित्य प्रकाश स्वरूप है, होने पर भी इंद्रियों की व्यापार विशेष की अपेक्षा करता है, पश्यामी न पश्यामी का है, यदि चक्षु खुली है मतलब चक्षु ठीक है तो पश्यामी बोलेगा उस काल में, और चक्षु काम नहीं करती हो उस काल में न पश्यामी बोलता है, वो तो इंद्रियों के व्यापार की अपेक्षा करके कहा पश्यामी न पश्यामी, आत्मा पश्यामी न पश्यामी नहीं होता, दरवाजा बंद हो गया इंद्रिय काम नहीं करती न पश्यामी बोलता है, यही है सिद्धांत का ना अनित्य दृष्टि वाला आत्मा नहीं है, नित्य दृष्टि है, कर्ण व्यापार विशेष अपेक्षा
आत्मा पश्यामि न पश्यामि जो जागृत आदि काल में दो प्रकार के भाव बोलता है उस काल में, कारण की व्यापार, इंद्रियों की व्यापार विशेष की अपेक्षा से ही होता है, देखना न देखना, सुनना न सुनना आदि, आत्मा का व्यापार नहीं हो, इंद्रियों का व्यापार के कारण इस पर माना जाता है। क्यों? आत्मा यदि प्रकाश स्वरूप हो, जड़ हो, अनित्य दृष्टि वाला हो, कभी देखना कभी नहीं देखना ऐसा होता हो, तो उद्धृत चक्षुषां च, जिसके आँख अंधा हो, जो व्यक्ति अंधा हो गया, उद्धृता चक्षु ऐसा जिनकी चक्षु निकल गई, अंधा हो गया जो व्यक्ति ऐसा हो, तो उद्धृत चक्षुषां च, जो अंधे लोग होते हैं ना, पहले दिखता था उसको, अब नहीं दिख रहा किसी कारण, रोग आदि के कारण उसको। स्वप्ने आत्मदृष्टि आदि परिलोक दर्शन, स्वप्न में अपना अनुभव होता है कि नहीं होता उसको? होता है, जिसका आँख नहीं, स्वप्न में अनुभव होता है, आत्मदृष्टि का विपरिलोक नहीं देखा, अभाव नहीं देखा है, इसके लिए इससे सिद्ध होता है कि आत्मा नित्य दृष्टि वाला है, आत्मरूप जो दृष्टि है प्रकाश, उसका अभाव नहीं होता। उद्धृत चक्षुषां च, जो निकल गई है आँखें जिसकी, अब नहीं है पहले थे उसका, स्वप्ने स्वप्न अवस्था में आत्मदृष्टि अभी परिलोक दर्शन, आत्मदृष्टि का लोप नहीं दिखाई पड़ता, अभाव नहीं दिखता, मैं हूँ कहता उसका नहीं हूँ, ऐसी स्थिति है, इसलिए आत्मदृष्टि कादाचित का नहीं है, नित्य है। ये जो त्रिस प्रत्यय लगा हुआ है, द्रष्टु शब्द द्रष्टु दृष्टि विप्र लोगों ने भी देती नहीं, द्रष्टु दृष्टि ने कहा ये त्रिस प्रत्यय नित्य करता में होता है, नित्य क्रिया का कर्ता में भी त्रिज होता है, केवल अनित्य क्रिया का कर्ता में त्रिज नहीं, कहाँ देखा दृष्टांत आदित्य आदि में देखा, नित्य क्रिया वाले हैं प्रकाश नित्य होते हैं उनकी, होते हुए भी आदित्य प्रकाश संहिता ऐसा बोला जाता है, ठीक इसी प्रकार आत्मा भी ऐसा ही है, नित्य दृष्टि रूप है आत्मा, दर्शन रूप है, प्रकाश रूप है, कहा उद्धृत चक्षुषां च, तीन नंबर की पढ़ने जाते हैं, अंधानाम अपनी जो उद्धृत चक्षु अंधे व्यक्ति अंधों को भी स्वप्ने दृष्टि का अनुभव होते हैं, स्वप्न में दृष्टि का अनुभव होता है, दर्शन होता है, आत्मदर्शन तो अपना दर्शन तो होना ना, अन्य विषयों का दर्शन भले न हो, अपना दर्शन व्यक्ति अंधे हैं, स्वप्न में आत्मदृष्टि होती है, अंधानाम अपनी स्वप्न, अंध व्यक्तियों का भी स्वप्न में दृष्टि अनुभव होते, दृष्टि का अनुभव किया जाता है, दर्शन होता है, अतो नित्य आत्मदृष्टि, इससे सिद्ध होता है कि आत्मदृष्टि नित्य है, अनित्य नहीं है, कादाचित का नहीं है, ये सिद्धांत कहा। पूर्वादि बोलता है स्वप्ने वासनामयी है वसा, स्वप्न में जो आत्मदृष्टि दर्शन होता है ना, वासनामयी दृष्टि होती है, वास्तविक दृष्टि नहीं, वह संस्कार रूप दृष्टि है वो, स्वप्ने वासनामयी है वसा, वासनामयी है वो दृष्टि स्वप्न में, ऐसा पूर्वादि कहे तो सिद्धांत कहते हैं सत्यम, ठीक है, जात्यंधे तो वासना भी हो, जन्मांत जो होगा उसमें क्या संस्कार है, क्या जन्मांत में संस्कार भी नहीं है, फिर भी स्वप्न में भी अपना अनुभव करता है, मैं हूँ बोलता है, आत्मा का अभाव होता नहीं, तो आत्मदृष्टि का लोप नहीं होता कहा सत्य, जात्यंधे तो जो जात्यंध जन्मांत जो होगा, टिप्पणी में बोल रहे हैं, वासना भी न, वासना भी नहीं होता, संस्कार भी नहीं है, फिर भी आत्मदृष्टि का अनुभव होता है, मैं हूँ कहता है, अपना अस्तित्व होता नहीं है, तत्र पूर्वादि कहेगा तत्र जन्मांतर ही है, इसे जो स्वप्न में तो जन्मांतर ही क्या हो गए, जन्मांत व्यक्ति में जो स्वप्न में भाषता है, जन्मांत में जो हूँ बोलता है, भाषा भी नहीं है तो जन्मांत को भी होते, जन्म से आता है उसको भी आत्मदृष्टि का अनुभव होता है, मैं हूँ कहता है, वो कैसे तत्र जन्मांतरी पूर्व जन्म के संस्कार है, वहाँ वो वासना है, ऐसे पूर्वादि बोले तत्र माने जो जन्मांत है उनमें, तो जन्मांतरी यदि चेत का जन्मांतरी वासना के कारण हुआ, पूर्व पहले जन्म का जो अंधापना था उसका क्या आया, उसका संस्कार है, पूर्व जन्म के व्यक्ति वहाँ अनुभव था उसका संस्कार है, ऐसे पूर्वादि बोलते सिद्धांत बोलते जन्मांतर साधक कुतस्थ दृष्टि ध्रुव्य, उस स्थिति में जन्मांतर की सिद्धि कर रहे जो दृष्टि कौन आत्मदृष्टि, माने जन्मांतर में भी आत्मा था, अभी जब उसका संस्कार यहाँ आता है, जन्मांतर का संस्कार आए, आत्मा न हो तो कौन किसमें आएगा, वो ये कहते हैं
जन्मांतर साधक कूटस्थ दृष्टि द्रव्यात्, जन्मांतर की सिद्ध करने वाली जो कूटस्थ दृष्टि आत्मदृष्टि निश्चित होने से द्रव्यात् नित्य दृष्टि दृष्टि यष्टव्य, नित्य दृष्टि को ही स्वीकार करना चाहिए। आत्मदृष्टि नित्य है, अनित्य नहीं है। जो पश्यामी न पश्यामी जो प्रयोग होता है वो तो इंद्रिय व्यापार विशेष कारण होता है। आत्मदृष्टि नित्य है और त्रिस प्रत्यय केवल अनित्य क्रिया के कर्ता में त्रिज होता हो ऐसा प्रयोग सिद्ध नहीं हो सकता। क्यों? आदित्य प्रकाशहिता जो बोला जाता है वह प्रकाशहिता में त्रिस प्रत्यय लगा हुआ है, प्रकाश धातु से त्रिज करके बनाया हुआ है, वहां भी यही है त्रिज प्रत्यय लगा है। नित्य क्रिया विशिष्ट होता प्रकाश नित्य है आदित्य उसमें प्रयोग होता है, केवल अनित्य क्रिया विशिष्ट में ही त्रिज प्रत्यय कर्ता में त्रिज होता है, इस बात नहीं। ठीक है, आगे भाष्य में कहते हैं उद्धृत चक्षुषां च स्वप्ने आत्मदृष्टेर अभी परिलोप दर्शनात्, जिसके अंधा हो गए जिनका आँख निकल गया है चक्षु निकल गई ऐसे व्यक्ति को भी स्वप्न अवस्था में आत्मदृष्टि का लोप नहीं होता। अपना दर्शन तो होता है भले बाहर के विषयों का दर्शन न हो, अपना ज्ञान तो रहेगा ही उसको, इसलिए आत्मदृष्टि का कभी अभाव नहीं होता। इसलिए स्मृति बोल रही है नई द्रष्टुर दृष्टेर विपरिलोप विद्यते अविनाशी, अविनाशी दृष्टि हो। भाषा का तस्मात अविपरिलुप्त स्वभाव आत्मनोदृष्टि, आत्मदृष्टि यही है कभी भी अभाव नहीं होता उसका। अविपरिलुप्त स्वभाव ऐसे स्वभाव वाली है कौन? आत्मदृष्टि। आत्मदृष्टि जो है कभी भी अभाव नहीं होगी, अपने आप को कोई भी ना नहीं बोलेगा, हाँ बोलता है, नहीं नहीं हो कोई बोलता है क्या? नहीं बोलेगा, कभी नहीं बोलता। आत्मदृष्टि ऐसी है तस्मात चार ने कहा आत्मदृष्टि नित्य बाधक अभाव यही है। आत्मदृष्टि को नित्य में बाधक नहीं है, आत्मदृष्टि को नित्य मानने में कोई बाधक नहीं, विरोध नहीं है, बाधक अभाव। साधक साधक एक ही स्तुति है साधक है, नहीं दृष्टि दृष्टि इत्यादि साधक है। आगमापायण सर्वस्व प्रत्येक दृष्टि का साक्षी साक्षित्व, आगमापाय जितने भी वस्तु हैं ये वस्तु अभी उत्पन्न हुआ ये वस्तु अभी नष्ट हो गया उसका साक्षी कौन है? आत्मा। कौन जानेगा? आगमापाई जितने पर संसार की वस्तु सब आगमापाई है, शरीर से लेकर के जितने बुद्धि आदि सब आगमापाई है सारे संसार, तो आगमापाई वस्तुओं का साक्षी होने से कहा आगमापाई का सर्वस्व। आगमापाई जितने भी हैं जितने आने जाने वाले जन्म मृत्यु वाले जितने भी हैं भावाभाव होने वाले पदार्थों का सर्वस्व प्रत्येक दृष्टि एक साक्षी करता है। प्रत्येक आत्मदृष्टि एक साक्षी है, यही साक्षी है आत्मदृष्टि, साक्षी वही जानता है कौन आया कौन गया संसार के वस्तुओं को जानता है, इसलिए भी वो नित्य दृष्टि है कहा। आगे भाषण में कहते हैं अतः तया अभी परिलुप्तया दृष्टया स्वयं युति स्वभाव या पश्चिम भगवती सुश्रुति का, अतः इसी कारण से उसका कभी अभाव नहीं होता, आत्मदृष्टि का अभाव कभी नहीं होता, स्वरूप दृष्टि का साक्षी का अभाव नहीं होता। अतः पांच के टिप्पण बता रहा था मैं अवतरण तत्व बोल दिया था तो अतः मैं कहा था अवतरण में तन नित्य तो उक्ति फल आत्मदृष्टि नित्य इसका फल बताते हैं, यही है एक गाना है। अतः आत्मदृष्टि नित्य सिद्ध किया नित्य नहीं है अब तया अभी परिलुप्त या कभी भी लोप न वाली दृष्टि आत्मा आत्मा है आत्मदृष्टि वाले साक्षी है उस दृष्टि के द्वारा स्वयं ज्योति स्वभाव या कैसे स्वयं ज्योति सब प्रकाश है अन्य प्रकाश से प्रकाशित होने वाली नहीं हो अन्य के द्वारा जानने योग्य नहीं स्वयं ज्ञात है। पश्चिम भगवती सुसिद्ध सुसिद्ध अवस्था में भी जो सोया हुआ सुसुप्त सुसुप्त पुरुष देखता हुआ ही होता है, वहां भी नहीं देख रहा नहीं देखता है अभाव को देखे तो जागृत में भाव देखता था सुसुप्त वस्तु का अभाव देखता है भावाभाव साक्षी है आत्मदृष्टि। सुसुप्त में शरीर आदि नहीं है उसका अभाव देख रहा देखता ही उसका अभाव नहीं होता, विशेष दर्शन क्यों नहीं होता वहां वस्तु के अभाव होने से, दृष्टि का अभाव नहीं है वस्तु का अभाव होने से है। जैसे कमरे में दीपक जल रहा है कोई वस्तु नहीं है तो दीपक का प्रकाश नहीं कर सकते, वहां वस्तु का अभाव है विशेष ज्ञान नहीं है, सामान्य तो है यही है।
पश्चिमे भवत विषय की टिप्पणी में कहा पश्चिम तथा बात के बात में कहते इस बात को पश्यामि ते यथा द्राक्षे आत्मदृष्टैव जागरे न पश्यामि ते नित्यपि तथा नित्यदृष्टैव विक्षसे कहते हैं भारतीकार बोलते पश्यामि इति यथा अद्राक्षी तुमने जो जागरण में देखा था पश्यामि करके कहा था सिद्धांत बोला अद्राक्षी तुमने कहा था ऐसा पश्यामि न पश्यामि होता है कहा था पश्यामि न पश्यामि प्रयोग होता है इसलिए आत्मदृष्टि अनित्य है तुमने जो कहा था ये कहते हैं पश्यामि इति यथा अद्राक्षी तुमने जो देखा पश्यामि और न पश्यामि दो प्रयोग देखा जागरण में यथा अद्राक्षी आत्मदृष्टि भी जागरण वहां भी आत्मदृष्टि से ही देखा पश्यामि अन्य दृष्टि ने आत्मदृष्टि आत्मा से जाना है न पश्यामि इत्यपि न पश्यामि भी बोला जागृत अवस्था में तुमने इति न पश्यामि तथा नित्य दृष्टि भी वृक्ष से न पश्यामि जो अभाव है ना नित्य दृष्टि से भी देखा जाता है सुषुप्ति में वहाँ पश्यामि बोलते थे जागृत में घट ज्ञान पट ज्ञान आदि होता पश्यामि बोलता था या नहीं दिख रहा था सुषुप्ति में वो भी नित्य दृष्टि से ही हो रहा अभाव दिख रहा था वस्तु विशेष विषय का अभाव दिखता था इस बार प्रकार ने कहा ठीक है देखिए अत्रापि अनित क्रिया कर्तृ विषय त्रिजंत शब्द प्रयोग इति शेष अत्रापि नो अनित क्रिया कर्तृ विषय प्रत्यंत शब्द से प्रयोग दृष्टो न छत्ता यथा छत्ता भत्ता गंता तथा दृष्टा इत्यत्रापि दृष्टा में भी ऐसे इत्यत्रापि के आगे इतना जोड़ना चाहिए कहते टीका का जो भाष्य में इत्यत्रापि है उसके आगे इतना जोड़ देना क्या अत्रापि है ना इति अत्रापि अत्रापि के आगे की अनित्य क्रिया कर्तृ विषय त्रिदंत शब्द प्रयोग यहाँ भी जो दृष्टा शब्द आया हुआ है यहाँ भी नहीं दृष्टि दृष्टि में दृष्टा आया यहाँ भी अनित्य क्रिया कर्तृ विषय में भी त्रित प्रत्यय का त्रित प्रत्यय शब्द का प्रयोग होना चाहिए ये पूर्वादि का कहना था यही था त्रिजंत शब्द प्रयोग से अनित्य क्रिया कर्तृ विषयत्व व्यविचारण उत्तर महा त्रिजंत शब्द का जो प्रयोग होता है तो पूर्वादि ने दिया दृष्टांत दिया छत्ता भ्यंता जनता इस प्रकार ये दृष्टा आया है यहाँ तो यहाँ भी अनित्य क्रिया विशिष्ट कर्ता में त्रिज प्रत्यय का प्रयोग होना चाहिए हमें ये पूर्वादि का कहना था किंतु सिद्धांति व्यविचार करते हैं कहाँ दिखाते हैं ये त्रिजंत शब्द प्रयोग से अनित्य कर्तृ विषयत्व जो त्रिजंत शब्द का जो प्रयोग है दृष्टा शब्द दृष्टि शब्द आया है तो अनित्य क्रिया कर्तृ विषयत्व व्यविचार है व्यविचार है देखो नित्य क्रियाकर्ता वाला जो आदित्यादि है वहाँ भी त्रिज प्रत्यय का प्रयोग है आदित्य प्रकाश संहिता त्रिज प्रत्यय वहाँ भी लग जाता है ये व्यविचार है जहाँ तुम्हारा अनित्य क्रिया विशिष्टन है वहाँ भी प्रकाश है प्रकाश संहिता का प्रयोग होता ही रहता है त्रिजंत शब्द प्रयोग से अनित्य क्रियाकर्तृ विषयत्व अनित्य क्रियाकर्ता अनित्य क्रिया विशिष्टकर्ता को विषय करने वाला उसको व्यविचार करते हैं जहाँ पर अनित्य क्रिया का कर्ता नहीं है कहाँ आदित्य अनित्य क्रिया का कर्ता नहीं है अनित्य प्रकाश वाला नहीं है वहाँ भी त्रिज प्रत्यय दिखाई पड़ता है प्रकाशहिता ऐसा बोला जाता है ये सिद्धांत का न प्रकाशहिता इति दृष्टत्वात् आदित्य प्रकाशहिता ऐसा देखा गया है वह अनित्य क्रिया विशेष करता नहीं आदित्य नित्य क्रिया है नित्य प्रकाश करने वाला होता आदित्य वहाँ भी त्रिज प्रत्यय देखा गया ये सिद्धांत कहा ठीक है वैषम्य में आसक्त है महाराज यहाँ दृष्टा शब्द है और आदित्य में प्रकाश यात्रा में विषमता है पूर्वादि बोलता है शंका करना विषमता है क्या है वो प्रकाशक वस्तु है आदित्य आदि प्रकाश रूप वस्तु है इसलिए वहां पर नित्य क्रिया विशेष में प्रयोग होगा क्योंकि आत्मा नित्य प्रकाश रूप नहीं है ये विषमता दिखाता है पूर्वादि का भवतु करें पूर्वादि का भवतु प्रकाश केशु अन्यथा असंभवात जो प्रकाशक वस्तु है आदित्य आदि उनमें अन्य प्रकार से तृत प्रत्यय लग नहीं सकता अनित्य क्रिया विशिष्ट कर्ता ले नहीं सकते वहां असंभव न तो आत्मा आत्मा में तो रही है ना ये प्रकाशक वस्तु नहीं है आत्मा में यहाँ तो अनित्य क्रिया विशिष्ट में त्रिज प्रत्यय होना चाहिए कर्ता में त्रिज होना चाहिए दृष्टा माने अनित्य क्रिया विशिष्ट कर्ता यही होना चाहिए पूर्वादि ने कहा सिद्धांत न बोलेंगे ठीक है सर कहा आदित्यादिशो जो आदित्यादि आदित्य है चंद्र है चंद्रमा है आदि आदि पदार्थ विद्युत आदि आदित्यादिशो स्वाभाविक प्रकाश है ना प्रकाशितृत्व स्वाभाविक प्रकाश के द्वारा प्रकाशित प्रकाशितृत्व धर्म है आदित्यादि में पूर्वादि बोल रहा है
वस्तु ये हो आदित्यादिशु आदित्यादि में स्वाभाविक प्रकाशेन प्रकाशितत्व स्वाभाविक प्रकाश के द्वारा प्रकाशितत्व धर्म आ जाए प्रकाशिता हो जाए आदित्यादि ठीक है वस्तु पांच के टुकड़े बताया स्वरूपभूत प्रकाश है स्वरूपभूत प्रकाश अन्य आदित्य से भिन्न प्रकाश नहीं प्रकाश पुंज ही आदित्य तो वह वो क्यों प्रकाशक वस्तु है वह वो मान नित्य क्रिया विशिष्टकर्ता में भी तृत प्रत्यय हो गया प्रकाश है वह वो वस्तु कादाचित प्रकाश है ना प्रकाशितत्व से तेषु असंभव क्यों कभी कभी प्रकाश के द्वारा प्रकाशितत्व उनमें असंभव है आदित्यादि नित्य प्रकाशक है इसलिए वहां मानना पड़ेगा नित्य क्रिया विशिष्टकर्ता में भी तृत प्रत्यय होता है वहां के लिए मानना पड़ेगा असंभव कहा न तो आत्मा में नित्य दृष्टि आत्मा में नित्य दृष्टि नहीं है जैसे आदित्य में नित्य प्रकाश है इस प्रकार आत्मा में नित्य दृष्टि नहीं है क्यों पश्यामि न पश्यामि ऐसा प्रयोग करता है कभी देखता हूं कभी नहीं देखता हूं बोलता है आत्मा में ऐसी दृष्टि नहीं नित्य दृष्टि नहीं तब मारा बाबा आत्मा में नित्य दृष्टि मानने प्रमाण नहीं है प्रमाण का अभाव होने से ये पूर्वाद ने कहा सात और आठ की टिप्पणी है यहाँ सात भी कहते हैं असंभवाद है ना तेषां प्रकाशक रूपत्व आदित्यादि प्रकाश स्वरूप है इसलिए और प्रकाशिता शब्द आ गया तो अनित्य क्रिया विशिष्ट होकर नित्य क्रिया विशिष्ट करता में भी त्रित लग गए वहाँ प्रकाश स्वरूप होने के कारण तो आत्मा में नहीं हो सकता आत्मा ऐसा नित्य प्रकाश स्वरूप नहीं है नित्य दृष्टि नहीं आत्मा में ये पूर्वादि का कहना है तन्माना भावा आठ की टुकड़े कहते हैं तथा च विकारण भाव्यम माने अनित्य क्रिया है यहाँ आत्मा में देखना न देखना विकृत आत्मा में विकार के द्वारा ही मानना चाहिए नित्य क्रिया में विकृत अनित्य क्रिया ही मानना चाहिए ये पूर्वाग ने शंका उठाई तो सिद्धांत का न अरे बाबा प्रमाण है इसमें श्रुति प्रमाण है नहीं दृष्टोर दृष्टि विपरीत रूप में विद्यते अविनाश दृष्टा की दृष्टारूप जो दृष्टि है उसका कभी अभाव नहीं होता अनित्य दृष्टि है ये श्रुति बोल रही है ये सिद्धांत ने कह दिया ठीक है मुझे कहा तथा च कदाचित दृष्टिया एवं तस्य दृष्टिता पूर्वादि के वाक्य ही है इसलिए क्या होगा कदाचित का दृष्टि कभी 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 होने वाली जो दृष्टि है प्रकाश है उसके द्वारा आत्मा में दृष्टित्व है नित्य दृष्टा नहीं आत्मा ये पूर्वादि की पूरी हो गई नव की टिप्पणी बताया इसको आत्मनो नित्य दृष्टित्व माना भावे यही है आत्मा में नित्य दृष्टि मानने में कोई प्रमाण है ही नहीं इसलिए अनित्य दृष्टि है आत्मा में ये पूर्वादि बोलता है कदाचित अनित्य दृष्टि के द्वारा ही आत्मा में दृष्टित्व है सिद्धांत कहते हैं टीका में प्रतीच चिद्रूपत्व से स्वतत्व आत्मा में चेतनता जो है ना सुनाई पड़ा है पत्र आयम पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवति प्रकाश रूप सुनाई पड़ा है श्रुति में प्रतीच ये आत्मा चिद्रूपत्व से आत्मा में चेतन स्वरूपता आत्मा चेतन ये स्रोतत्व श्रुति बोल रही है कर्तृत्व बिना प्रकाशितत्व अवशिष्टम कर्तृत्व के बिना भी प्रकाशित्व हो सकता है कर्ता के बिना भी प्रकाश कर सकता है क्यों चेतन रूप से कहा गया है चेतन बिना प्रकाश कर्ता के भी प्रकाश कर सकता है अविशिष्टम यदि उत्तर वहा एक उत्तर देते न गए सिद्धांत ने कहा न दृष्टि न दृष्टि अभी परिलोप सत्य है कहा ये जो साक्षी रूप जो आत्मरूप जो दृष्टि है इसका कभी लोप नहीं होता अभाव नहीं होता श्रुति ने बोला ठीक है कूटस्थ दृष्टि से आत्मा ही उगते हैं प्रत्यक्ष विरोधम संगत है आत्मा नित्य दृष्टि वाला है ऐसा कहने पर पूर्वादि प्रत्यक्ष प्रमाण का विरोध दिखाता है अरे महाराज कहा निर्विकार दृष्टि आत्मा विकारी दृष्टि कभी होती कभी नहीं होती पश्यामी न पश्यामी दो प्रयोग करता है देखता हूँ नहीं देखता हूँ यदि कूटस्थ दृष्टि हो तो न पश्यामी का प्रयोग नहीं होना चाहिए कभी देखता हूँ बोलता है कभी नहीं देखता हूँ बोलता है तो इसका मतलब आत्मा में अनित्य दृष्टि प्रत्यक्ष प्रमाण से विरोध हो रहा है कैसे वो अनित्य दृष्टि मानेंगे पश्यामी न पश्यामी यदि अनुभव दर्शन अनुभव है सबका अनुभव है कभी बोलता मैं देखता हूँ कभी बोलता नहीं देखता हूँ तो आत्मा यदि नित्य दृष्टि होता नित्य दृष्टि वाला होता तो हमेशा पश्यामी बोलना चाहिए विजय मां कहने से काम ठीक है द्विविधो अनुभव दो प्रकार का अनुभव है कैसा पश्यामी न पश्यामी मैं देखता हूँ और कभी बोलता नहीं देखता हूँ दो प्रकार का अनुभव है अनुभव तस्य कूटस्थ दृष्टित्व अनुग्रहाति वो जो है ना जो
अनुभव है तो उस अनुभव का कूटस्थ दृष्टि को ही अनुग्रह करते हैं, तो कूटस्थ दृष्टि सिद्ध करते हैं, ऋषि को सहारा देती उसी को सिद्ध करते हैं, सिद्धांत बोल रहे हैं। दो प्रकार के तो अनुभव तुम कह रहे हो, पश्यामि न पश्यामि, माने निर्विशेष दृष्टि को ही साधक साधक है दोनों का। दस नंबर ने बताया साधक उसको अनुग्रहात्मक साधक सिद्ध करता है उसको कैसे। चक्षुरादि व्यापार व्यापार भावा भाव अपेक्षया, वो जो पश्यामि न पश्यामि जो प्रयोग होता है ना, चक्षुरादि जो इंद्रियों के व्यापार के भाव और अभाव के कारण होता है। इंद्रियों में व्यापार होता है तो पश्यामि बोलेगा, व्यापार नहीं होता इंद्रियों न पश्यामि होता है। आत्मा की दृष्टि में खर्च नहीं आता, वो नित्य दृष्टि वाला है। तो इंद्रियों के व्यापार के होने पर पश्यामि बोला जाता है, और व्यापार नहीं होगा इंद्रियों में जब आँख बंद है उस काल में न पश्यामि बोल देगा, वो तो इंद्रियकृत है, आत्मकृत नहीं हो, कर्मकृत है, इंद्रियकृत है, वो पश्यामि न पश्यामि आदि बोलना ही कहा। चक्षुरादि व्यापार भाव भावा भाव अपेक्षा पश्यामि न पश्यामि थी धियो आत्मसाक्षी तत्व, ऐसे जो ज्ञान होता है पश्यामि न ऐसा अनुभव होता है आत्मसाक्षी वाला है तत्व इति उत्तर भाव न कहा। न करण व्यापार विशेष अपेक्षा दास बोला, वो आत्मा नित्य दृष्टि वाला होता हुआ कारण के व्यापार की अपेक्षा रखता है, इंद्रियों के व्यापार की अपेक्षा के कारण दो प्रकार का प्रयोग हुआ पश्यामि न पश्यामि, आत्मा नित्य दृष्टि है एक आना है। ठीक है, आत्मदृष्टि नित्यत्व हेतु द्रवा, आत्मदृष्टि में नित्यत्व सिद्ध करने में अन्य हेतु भी है। आत्मदृष्टि जो है आत्मरूप जो दृष्टि है साक्षी है वो नित्य है, उसमें नित्यत्व में अन्य हेतु भी है। क्या हेतु है? उद्धृत चक्षुषाम इत्यादि का, जो अंधे व्यक्ति हैं उनको भी स्वप्न में अनुभव होता है, वहां भी स्वप्न में देखता है, जो जागृत में देखने वाला व्यक्ति स्वप्न में देखता है कहता है। एक ग्यारह नंबर नित्यपुर में कहा है, ग्यारह में कहते हैं नित्याचेत आत्मदृष्टि तरी सर्वे सर्वदा किमिति न अनुभूयते। पूर्वादि शंका करता है कि महाराज आत्मदृष्टि यदि नित्य है तो फिर उसका स्थिति में सर्वे सर्वदा सभी व्यक्तियों के द्वारा सभी प्राणियों से हमेशा सर्वदा किमिति न अनुभूयते, अनुभव क्यों नहीं होता? कभी देखना कभी नहीं देखना, कोई देखता कोई नहीं देखता है, ऐसा क्यों? यदि आत्मदृष्टि नित्य हो तो सभी के द्वारा सभी काल में अनुभव क्यों नहीं होता आत्मदृष्टि नित्य करके? ये शंका पूर्वादि के आगे उत्तर दिया समाहित बाद के बाद में समाधान दिया तथा ही करके ज्योतिषाम ज्योति अस्मद्धि परिपोषण तमोरूपाम इवा भाति भानुरक्तृशाम इवि शेष। ज्योतिषाम ज्योति आत्मज्योति जो है ना, आत्मप्रकाश ज्योतियों का भी ज्योति है, आदित्यादि ज्योतियों का भी ज्योति है वो। यदि आत्मज्योति न हो तो आदित्यादि में ज्योति आ नहीं सकता। यदा आदित्य गतम तेजो जगत भाषा ते खिलम यमश यो तत्तेजो विद्धिमा मगम, ऐसा गीता के पंचदश अध्याय भगवान ने कहा। आदित्य में जो प्रकाश है, यदा आदित्य गतम तेज माने प्रकाश, आदित्य जो प्रकाश का तेजो प्रकाश है, यदा आदित्य गतम तेजो जगत भाषा थे सारा संसार का प्रकाश करना जो तेज आदित्य में, यह चंद्रमश चंद्रमा में जो तेज है वो भी संसार को प्रकाश करने वाला, यह चाग्रो अग्नि में जो तेज है प्रकाश करने वाला, तद तेजो महामगम विधि मेरा तेज है, मेरे तेज से प्रकाशित होकर के प्रकाश करना है। जैसे चिमटा जलाता है कब? अग्नि से जलने के बाद में चिमटा जलाता है, अयोधहति प्रयोग किया जाता है, मतलब लोहा जलाता है बोलते हैं, लोहा में जलाने की शक्ति स्वतः नहीं है, पहले अग्नि से वो जलेगा तत्पश्चात जलाएगा, वैसे आदित्यादि ऐसे हैं। तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य वासा सर्वविदं विभाति सदा सर्वगः, उसी के द्वारा प्रकाशित होने के बाद फिर प्रकाश करते हैं, उसी के प्रकाश से सारा काम होता है कहा है, ये बात कार्य बोल रहे हैं। ज्योतिषाम ज्योति अस्मद्धि परिपोषणात्, हमारी बुद्धि के खो जाने के कारण हमारी बुद्धि चोरी हो गई है, ज्योतिषों का भी ज्योति है, या अज्ञान के कारण हमारी बुद्धि चोरी हो गई, बुद्धि की चोरी हो जाने से वो सस्ते धातु है, आत्मा को छोड़कर बाहर हो गई बुद्धि। ज्योतिषाम ज्योति है तो ज्योतियों का भी ज्योति है, प्रकाशों का भी प्रकाश है आत्मा,
प्रकाश रूप करके अस्मदी जो हमारी बुद्धि है परिमोषणात, इसको चोरी होने के कारण परिमोषण हो गया, बहिर्मुखी हो गई, यही है अज्ञान का। तमो रूपम विवाह भाती, प्रकाश रूप आत्मा को भी अधेरा जैसा दिखती है बुद्धि खो जाने से, बहिर्मुख होने से, अज्ञान के कारण बुद्धि चोरी हो गई, चोरी होने से ज्योति तमो रूप विवाह भाती आत्मा उसको अधेरा जैसा लगता है, आत्मा नहीं बोलने लग जाती है बुद्धि, ज्योतियों के ज्योति को भी बुद्धि काम जब नहीं करती है, अज्ञान विशिष्ट हो जाती है तो उसको अज्ञान तमोर को प्रभाते अधेरा जैसा लगता है आत्मा के विषय में। भानुर नक्त दृशा विवाह, जैसे रात्रि में देखने वाले को नक्त दृश्य होते हैं, रात्रि को नक्त शब्द का प्रयोग होता है, रात्रि में देखने वाले उल्लू आदि होते हैं जो रात्रिचर होते हैं, निशाचर होते हैं ना, वो नक्त दृश्य बोला जाता है उनका क्षमा कैसा भानुर ना, वो कहते हैं सूर्य नहीं है, कहते हैं रात्रि में जिनको दिखता, दिन में जिसको दिखता नहीं है वो क्या बोलते हैं सूर्य नहीं है बोलते हैं, सूर्य का कभी दर्शन नहीं होता उनका। इसी प्रकार हमारी बुद्धि की बंद हो गई है अविद्या के द्वारा, इसलिए ज्योतियों का ज्योति जो वो अनुभव नहीं कर सकते। जैसे नक्तम भान स्वामी का नक्तम भानुर नक्त दिशा में कहा, जैसे सूर्य भानु माने सूर्य, रात्रि में देखने वाले जो होते हैं उल्लू आदि, उनको सूर्य का दर्शन नहीं होता, प्रकाश रूप होने पर भी नहीं दिखता, सूर्य नहीं दिखता। इसी प्रकार हमारी बुद्धि तो उल्लू के रात उल्लुओं के समान हो गई है, परिपोषण हो गई, आत्मा से बहिर्मुख हो गई, इस कारण से बुद्धि हमारी बुद्धि अनुभव नहीं कर पा रही है। हाँ, ज्योतियों का भी ज्योति है, केवल ज्योति नहीं ज्योति का भी ज्योति है आत्मा, ये बात ने कहा ये बोला। आत्मदृष्टि नित्यत्व को प्रधान करते, आत्मदृष्टि नित्य है, अनित्य नहीं कादाचित नहीं है, वो जो पश्यामी न पश्यामी जो प्रयोग होता है तो इंद्रियों के व्यापार के अपेक्षा के कारण किया जाता है, आत्मदृष्टि से नहीं कहा गया, यही है। तो आत्मदृष्टि आत्मदृष्टि नित्यत्व को संहार करते हैं, तस्मात ये भाषण का तस्मात अब अभिपरिलुप्त स्वभाव स्वभाव आत्मदृष्टि, हाँ कभी भी अभाव न होने वाली जो ऐसे स्वभाव वाली है आत्मदृष्टि, कभी भी उसका अभाव नहीं होता, स्वप्न विशुसुप्त में भी आत्मदृष्टि है, ठीक आना है। ठीक है, कहते हैं तन नित्यत्व फल, आत्मदृष्टि को नित्य जो सिद्ध किया है उसका फल बताते हैं, क्या फल होगा, अतः करें वास्तव का अतः तया अभिपरिलुप्तया, कभी भी लोप न होने वाली जो दृष्टि है आत्मदृष्टि, जागृत में भी है स्वप्न में है सुसुप्ति में भी है हमेशा है, ऐसी दृष्टि के द्वारा स्वयं ज्योति भाव भाव स्वभाव या स्वयं ज्योति स्वभाव है वो दृष्टि आत्मदृष्टि, पश्चन एवं भवती सुसुप्ति, सुसुप्ति में देखता हुआ ही होता है, तो पश्चन एवं भवती नहीं दृष्टो दृष्टि विनाश पश्चन भवती पश्चन में तन्न पश्यति का देखता हुआ नहीं देखता है, माने आत्मदृष्टि का अभाव नहीं, वहाँ विशेष ज्ञान का अभाव है, वस्तु के अभाव होने के कारण, जागृत में स्वप्न में होने वाले जो वस्तु थे वहाँ नहीं है, उसके कारण वहाँ अभाव दिख रहा है, विशेष विज्ञान का अभाव है, अपना आत्मज्योति का अभाव वहाँ नहीं है, सुषुप्ति में भी आत्मज्योति है। एक भारतीय के थोड़ी सी भारतीय में मनु इत्यादि नो अनित्य क्रिया करते विषय प्रत्यान शब्द प्रयोग इत्यादि में भारतीय कहें थोड़ा नन इत्यादि दृष्टत्व ये फिर पंक्ति है इसमें दृष्टत्व इति अंतभाष्य भारतीकाचार्य तथा ही भारतीकाचार्य कहा सत्रे त्रिजंत श्रवणा दृष्टिश्चेत सकर्तृक पश्चन दृष्टो एवं दैवकर्त्रात्य संभव। पूर्व पक्ष बोलता है महाराज इस मंत्र में दो शब्द आए, सत्रि प्रत्यय भी है दृष्ट प्रत्यय भी है, पश्चन भाई तन्न पश्यति ऐसा कहा है, पश्चन जो बनता है दृष्ट धातु से सत्रि करके प्रथमा एकवचन पश्चन शब्द बना हुआ है, इस तेईसवें करने का में यदि तन्न पश्यति पूर्व पक्ष हुआ था, कहा सिद्धांत की ओर से कहा पश्चन भाई तन्न पश्यति नहीं दृष्ट दृष्टि विपुल अविनाशित हुआ, तो पश्चन जो बनाया गया सत्रि प्रत्यय करके बनाया गया कर्ता में है, और त्रिज प्रत्यय का भी प्रयोग है, ये द्रष्टु शब्द में
दृष्टि शब्द बना गया, दृष धातु से त्रिश करके बनाया। सत्रि त्रिजंत श्रवणार्थ, एक में सत्रि प्रत्यय लगा हुआ है पश्चिम शब्द में, और दृष्टि शब्द में त्रिश प्रत्यय लगा हुआ है दृष धातु से, मनुष्य श्रवणार्थ। दृष्टि चेत स्यात् सकर्तृका, ये दृष्टि होनी चाहिए कहते कर्ता के सहित होना चाहिए, सकर्तृका दृष्टि किसी कर्ता के द्वारा जन्य दृष्टि होनी चाहिए, क्योंकि सत्रि प्रत्यय सुनाई पड़ रहा है और त्रिश प्रत्यय सुनाई पड़ रहा है, इसलिए दृष्टि चेत दृष्टि जो है सकर्तृका कर्ता के सहित होना चाहिए, क्योंकि वो प्रत्यय कर्ता अर्थ में है, दृष्ट धातु से त्रिश प्रत्यय जो किया कर्ता अर्थ में है। पश्चिम दृष्टु इति एवं प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण पुरुषविद ब्राह्मण के सप्तम कंड का था, पश्चन चक्षु बदन बाघ श्रृणवन श्रोत्रम मनवारो मन, ऐसा कहा था वहाँ कर्तार्थ में दिखाया था, ये त्रिश प्रत्यय क्षत्रिय प्रत्यय जो वहाँ दिखाया था कर्तार्थ था, पूर्वादि बोलता है पश्चन दृष्टि इति एवं इति एवं इस प्रकार, क्या जैसे वहाँ पर कर्तार्थ में त्रिश प्रत्यय पश्चन दृष्टु में दृष्टु में वहाँ त्रिश है और पश्चन में क्षत्रिय है, वहाँ जैसे यहाँ भी क्षत्रिय और त्रिश दोनों दिखाई पड़ रहा है इस खंडिका में, उसी के समान यहाँ भी अर्थ करना चाहिए, ये पूर्वादि ने कहा। तो सिद्धांत कहते हैं दैवम कर्तादि असंभवात, ऐसा नहीं कहना है, कर्ता अर्थ में त्रिश प्रत्यय नहीं समझना और क्षत्रि प्रत्यय नहीं समझना, क्यों कर्ता आदि होना आत्मा में संभव नहीं है, कर्ता आदि जो चिराभास विशिष्ट बुद्धि आदि कर्ता होते हैं, आत्मा कर्ता नहीं होता, कर्तादि असंभवात, कर्ता आदि बनना संभव नहीं है आत्मा को, इसलिए यहाँ क्षत्रि प्रत्यय और त्रिश प्रत्यय जो हुआ है ये दोनों यहाँ दिखाई पड़ता है, क्षत्रिय और त्रिश ये कर्ता अर्थ में नहीं है, ये स्वरूप बोधक है कर्ता अर्थ में नहीं है, कहा सिद्धांत का कर्तादि असंभवात बोल दिया। आगे कहते हैं निहबुद्ध्यादि सर्वावस्थदा पीति स्मृतिर भवे सुषुप्ते तो रथात्मर्थ प्रत्ययार्थ सनिश्चित न यह बुद्धियादि सर्वभाव, इस सुषुप्ति अवस्था में बुद्धियादि नहीं है, जो कर्ता बनने वाली बुद्धि थी चिदावास मिश्रित बुद्धि कर्ता बनती थी जागृत स्वप्न में, यहाँ नहीं है सुषुप्ति में, वो नहीं है बुद्धि नहीं है, यह बुद्धियादि बुद्धि या इंद्रियादियाँ जो भी हैं कर्ता बनाने के साधन वह वहाँ सुषुप्ति में न होने से सर्वभाव तदापि स्मृति तदा अपिति बात अपिति चक्षु अपिति स्मृतवा उसका अर्थ सब लीन हो जाते हैं कारण में, ऐसा स्मृति बोलती है सुषुप्ति में, वह वाणी आदि बुद्धि आदि कोई भी नहीं होती, यही वृद्धार्ग में तथा सुषुप्ति काल में अपिति बाघ बाप सो जाती है, सुषुप्ति बाप नहीं, वाणी नहीं, बाल इंद्रिय नहीं होती, स्रोत्र नहीं, चक्षु नहीं, कोई इंद्रिय नहीं, कोई बुद्धि आदि नहीं, इस स्मृति रहे स्मृति होने से बुद्धियादि सद्भाव ना हो गए, बुद्धियादि का सद्भाव नहीं हो सकता है यहाँ सुषुप्ति अवस्था, क्यों क्या प्रमाण है तदा अभी दिमाग अभी चक्षु अभी सूत्र इत्यादि स्तुति, इस स्तुति के आधार पर उस काल में तो कोई नहीं है, इस स्तुति के आधार पर बुद्धि आदि का सर्वभाव होना संभव नहीं है, सिद्धांत कहा सुषुप्ते तो न धात्व था सुषुप्ति अर्थ है बुद्धि आदि का होना संभव नहीं, जो कर्ता बनने वाले थे जागृत स्वप्न में कर्ता बनने थे आवास विशिष्ट बुद्धि कर्ता बनती थी वो है ना वहाँ सुषुप्ति, इसलिए न धात्व हो प्रत्यार्थ सिद्ध है, धातु का अर्थ भी नहीं लिया जा सकता है यहाँ और प्रत्यय का अर्थ भी नहीं लिया जा सकता है, जो जो दृष्टु दृष्टि में दृष्टि शब्द में त्रिश प्रत्यय धातु एक दृष्ट धातु है दर्शन और त्रिश प्रत्यय कर्ता दर्शन कर्ता को दृष्टा बोलना होता है, वो यहाँ न धातु का अर्थ ले सकते हैं न प्रत्यय का अर्थ त्रिश प्रत्यय का अर्थ ले सकते हैं, दोनों अर्थ में एक अर्थ आएगा दोनों अर्थ नहीं कर देगा, स्वरूप का बोधक है द्रष्टु शब्द द्रष्टा स्वरूप ये कहना है दृक् स्वरूप ये कहना है, पूर्व पक्ष बोलता है आगे कर्त्रादि कारकम नो चेत सुषुप्ते विद्यते कथम पश्चिम दृष्टु दिवच कुतस्ते उपपद्यते, पूर्वादि बोलता है यदि कर्तादि कारक वहाँ नहीं है सुषुप्ति में कोई है ही नहीं बुद्धि आदि नहीं है कर्तादि कारक कर्ता बने बुद्धि कर्ता बनती है चिराभास विषित होने पर, तो कर्तादि कारकम नो चेत कर्त्रादि कारक उस काल में यदि न हो सुषुप्ति अवस्था में तो सुषुप्ति में तो सुषुप्ति पश्चिम दृष्टु यदि बचा कुटस्ते कथम उपपद्यते थे, जो पश्चिम दृष्टु इत्यादि जो शब्द है पश्चिम दृष्टु इत्यादि ये प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण ने कहा था पश्चिम दृष्टु बदन भाग इत्यादि ये शब्द कैसे वह घटेगा,
पश्चिम दृष्टि कैसे घटेगा सुषुप्ति में यदि कर्ताधिकारक नहीं है तो, ये पूर्वादि ने प्रश्न किया। सिद्धांत बोलते हैं यथावकाशदात्री ते भंडते निष्क्रिय क्षत्रिय त्रिजंतवच तथात्मा पंडित ध्रुव एक देखते भाई यथा आकाश व्यापक होता है होते अवकाशदात्री त्रिज प्रत्यय प्रयोग कर दिया जाता है नित्य अवकाश देने वाला अवकाश नित्य स्वरूप है उसका आकाश का होते हुए भी त्रिज प्रत्यय प्रत्यय होगा प्रत्यय होगा उसका स्वरूप ही अवकाश स्वरूप है आकाश का स्वरूप क्या अवकाश अवकाश देना सबको चलने फिरने के रास्ता देना नित्य है नित्य होते हुए भी त्रिज प्रत्यय से आ गया अवकाशदात्री बोलते हैं दादातु से अवकाश पूर्व दादातु से त्रिज कर दिया आकाश के लिए देखा यथावकाशदात्री थी ऐसा शब्द निष्क्रियम बृहद भंडते निष्क्रिय जो आकाश है ना उसको कहा जाता है अवकाशदात्री शब्द के द्वारा क्षत्रिय त्रिजंत वचसा क्षत्रिय प्रत्यय त्रिज शब्द यह त्रिजंत भी है क्षत्रिय भी है पश्चिम ये त्रिजंत है और दृष्टि जो बना है पश्चिम जो है क्षत्रिय है और दृष्टि त्रिजंत है इस वचन के द्वारा तथा आत्मा बने तो ध्रुवा नित्य कहा जाता आत्मा को विकृत नहीं कहा जाता जैसे आकाश नित्य अवकाश देने वाला होने पर भी अवकाशदात्री शब्द का प्रयोग होता है त्रिज प्रत्यय वह सुनाई पड़ रहा है इसी प्रकार यहाँ भी ऐसे समझ रहा आत्मा को ये कहा क्षत्रिय त्रिजंत वत्सा तथा आत्मा बने तो ध्रुवा आत्मा को भी उस प्रकार थीर कहा जाता थीर आत्मा को ऐसा कहा जाता है पश्चिम इत्यादि और दृष्टु इत्यादि कहा जाता है एक ठीक से देखें इसमें पश्चिम यदि सत्रंत दृष्टु त्रिजंत सर्वार इस मंत्र में दोनों प्रयोग है पश्चिम पश्चिम भाई तन्न पश्यति पश्चिम सतर्क प्रयोग है सत्र सुनाई पड़ा पश्चिम दृष्टातु से सत्र करके पश्चिम बनाया प्रथमा एक वचन और दृष्टु नहीं दृष्टु दृष्टि विपरीत को वित्तीय अविनाशित दृष्टु शब्द से दृष्टातु से त्रिज करके दृष्टि बनाया गया है ये शून्य से सर्वात धात्पर्थ रूपा सकर्तृका धातु का अर्थ जो होता है ना देखना धातु का अर्थ देखना होता है देखना कर्ता के अधीन है सकर्तृका कर्ता के सहित सकर्तृका दृष्टि न कूटस्थ दृष्टि आत्मा में कूटस्थ निर्विरा दृष्टि है विकारी दृष्टि है ये पूर्वादि की शंका है सत्री त्रिजंत सर्वात दृष्टि चेत सियात सकर्तृका दृष्टि त्रिजंत है पूर्वादि बोलेगा पश्चिम दृष्टि एवं कहा पूर्व में प्रथम अध्याय के चतुर्थ प्राम ने कहा पश्चिम दृष्टि इत्यादि शब्द आया था पूर्व में पश्चिम दृष्टि एवं पश्चिम भी बोला है दृष्टि पश्चिम भी तन पश्चिम पश्चिम भी बोला और दृष्टि भी बोला तो कहते हैं संगति का टीका में कहते हैं प्रयोग तो ऐसे क्रियापेक्षक प्रसिद्ध विधि ही शब्द ये दो प्रयोग हुआ यहाँ पश्चिम शब्द भी है दृष्टु शब्द भी है पश्चिम पश्चिम वही तन्न पश्यति इसी मंत्र में पश्चिम शब्द और नई दृष्टु दृष्टि विपरण विद्यते अविनाशित दृष्टु शब्द प्रयोग द्वयस्य क्रियापेक्षक दोनों प्रयोग जो होता है ना क्रिया की अपेक्षा करके होता है देखे तब पश्चिम बोला जाता है देखने वाले को पश्चिम बोलते देखने वाले कर्ता को दर्शन विशिष्ट होगा जब और दृष्टा भी वही दर्शन विशिष्ट होने पर दृष्टु बोला जाए दृष्टि बोला जाता है प्रसिद्ध विधि ही शब्द है प्रसिद्धि दिखाने के लिए ही लगा दिया पश्चिम दृष्टुर इति ही एवं इस प्रकार के वचन है यहाँ पश्चिम दृष्टु शब्द पश्चिम भी है दृष्टु भी है इसलिए कर्ता के सही दृष्टि है विशेष दृष्टि नहीं है ये पूर्वादि की शंका हुई है ठीक है धातु प्रत्ययो सुप्त अयोगात सिद्धांत सुश्रुति काल में धातु का अर्थ भी नहीं आएगा दृष्ट धातु का अर्थ नहीं ले सकते प्रत्यय का अर्थ कर्ता भी नहीं आ सकता सुश्रुति काल राघवत स्वप्न में धातु का अर्थ प्रत्यय का अर्थ आता धातु प्रत्यय अर्थ जो धातु का अर्थ प्रत्यय का अर्थ धातु है दृष्ट धातु है प्रत्यय है एक में सन प्रत्यय है क्या है क्षत्रिय है एक में त्रिज पश्चिम में क्षत्रिय है वो कर्ता अर्थ में होना चाहिए और एक में त्रिज है दृष्टि शब्द ये दोनों संभव नहीं है सुश्रुति ने कहा धातु प्रत्ययार्थ है धातु का अर्थ प्रत्यय का अर्थ और दोनों का सुसुप्त अयोगा सुप्ति अवस्था में सुसुप्ति अवस्था में संभव नहीं है उसका घटना नहीं है इसलिए दृष्टि कौटस्थम इत्यादि आत्मा की दृष्टि कूटस्थ दृष्टि है निर्विकार दृष्टि ही है या धातु और प्रत्यय का अर्थ आत्मा संभव नहीं है सुस्वीकार आत्मा दैवम इत्यादि कहा था सिद्धांत कहा था दैवम कर्तादि असंभवात उसका हाल में कर्ता होना संभव नहीं है देखना आदि क्रिया होना संभव नहीं है
ऐसा कहा। हेतु सहारयति कर्तृ नैव कर्तादि असंभवात् हेतु दिया था, कर्तादि नहीं हो सकते वह सुषुप्ति अवस्था का उसके सिद्ध करते हैं न इत्यादि शब्द से कहा। नेह बुद्धियादि सद्भाव तदापीति स्तुतिर भवेत एक, बुद्धियादि का सद्भाव ने अस्तित्व नहीं हुआ, जो कर्ता बनने वाली बुद्धि थी चिदाभास विशिष्ट होकर बुद्धि कर्ता बनती थी उस काल में आई नहीं, इसलिए प्रत्येक अंत आ नहीं सकता बुद्धियादि का स्वभाव सद्भाव न होने से। न यह मैंने सुसुप्त सुसुप्त अवस्था में न बुद्धियादि सद्भाव बुद्धियादि न होने से क्यों क्यों नहीं ये बुद्धियादि का तदापीति स्तुति बच्चा भवे का ये तदा अपीति बाघ अपीति चक्षु अपीति स्त्रोत्र अपीति मन इत्यादि आया स्तुति में, उसका आगे तो कोई नहीं बाणी भी नहीं कोई भी नहीं सब लीन हो जाते हैं अपने अज्ञान में ऐसा आया उसका, तो कैसे वहाँ पर कर्ता बनेगा आत्मा बुद्धियादि है ना वहाँ ये सिद्धांत दे रहा। ठीक है हमें कहते हैं प्राण तरही बाघ अपीति ऐसा स्तुति है तरही मैं तब उस काल में सुशुद्धि काल बाघ प्राण बनती थी बाघ हो जाता प्राण में लीन हो जाती है सब प्राण में लीन हो जाती है सुसुप्ति में प्राण एक बचता है सब इंद्रिय समाप्त प्राण में लीन होते कहा है प्राणांतर ही बाघ अपेदी आद्यास्तुति इत्यादि स्तुति है तो स्तुति से सिद्ध होता है उस काल में कर्त आदि होना संभव नहीं बुद्धि आदि होना संभव नहीं कहा कारकाभाव फलित कर्तरादि कारक का अभाव है उस काल में इसलिए यहाँ धातु का अर्थ भी नहीं ले सकते प्रत्येक अर्थ भी नहीं ले सकते यहाँ दृश्य धातु का अर्थ भी नहीं आ सकता और त्रिज प्रत्यय और क्षत्रि का भी अर्थ नहीं आ सकता ये सिद्धांत कहा सुसुप्त सुसुप्ते इत्यादि कहा है सुसुप्ते अतो सुसुप्त अवस्था में बुद्धियादि न होने से अतः न धातु अर्थ प्रत्यर्थ जीते धातु का अर्थ भी नहीं ले पाएंगे यहाँ पर दृश्य धातु का अर्थ नहीं ले सकते और प्रत्येक अर्थ कर्ता कर्ता अर्थ में क्षत्रि होता है कर्ता अर्थ त्रिज होता है वो भी नहीं ले सकते दर्शन कर्ता ऐसा अर्थ नहीं ले सकते ठीक है जो कारक नहीं हुआ कर्ता आदि कारक नहीं है कादाचिक दृष्टि तत्कर्ता च स्वाप्य नास्ति जो कादाचिक दृष्टि है और कादाचिक दृष्टि की जो कर्ता है दोनों वहाँ नहीं है दृष्टि भी नहीं है और कर्ता भी नहीं है जैसे जागरण में घट को कभी देखता कभी नहीं देखता कादाचिक दृष्टि थी वो दृष्टि भी नहीं और घट देखने वाला जो प्रमाता था वो भी नहीं महसूस होती कादाचित की दृष्टि तत्कर्ता च स्वाप्य नास्ति सुषुप्त की अवस्था में कादाचिक दृष्टि भी नहीं है उसके कर्ता भी नहीं है कारक अभाव क्यों कर्ता आदि कारक अभाव है कर्ता आदि नहीं सुषुप्ति अवस्था में संग इत्यत्र संकल्प पूर्वादि शंका करता है कर्त्रादि इत्यादि कहा पूर्वादि शंका की कर्त्रादि कारक मनो चेत सुषुप्ते विद्यते कथम पश्चन द्रष्टु इति वचन कुतस्थे उपद्यते कहा कर्तादि कारक यदि नहीं है सुषुप्ति में फिर ये वचन कैसे घटेगा पश्चन द्रष्टु पश्चिम शब्द दृष्टु शब्द कैसे बोलती है स्तुति ये पूर्वाज ने शंका उठाई तो उसका उत्तर आगे देते हैं। ठीक है सदृष्टांतों समान दृष्टांत के समाधान देते हैं जैसे आकाश हमेशा व्याप्त है फिर भी व्याप्ति व्याप्ति बियत ऐसा बोला जाता है बी और आप बी पूर्वक आपने व्याप्त धातु से त्रिस्परत करके व्याप्ति बनाया जाता व्याप्ति बनाया जाता है एक सिद्धांत कहते हैं यथावकाश धात्री जैसे आकाश को अवकाश धात्री बोलते हैं नित्य अवकाश स्वरूप है फिर अवकाश धात्री करता प्रतिज्ञा अवकाश देने के काम नहीं कर सकता वो व्यापक है स्वयं कहाँ देगा यथा अवकाश धात्री थी भंडते निष्क्रिय बृहत आकाश को निष्क्रिय क्रिया रहित जो आकाश है आकाश में क्रिया नहीं होती है आकाश क्रिया नहीं होती क्रिया रूप में आकाश में कोई क्रिया नहीं होती फिर अवकाश धात्री बोला जाता है अवकाश देने वाला अवकाश प्रदान क्रिया दिखाई बोला जाता है। ठीक प्रकार क्षत्रिय त्रिजन तवदशा तथा आत्मा पंडित का क्षत्रिय और त्रिज यहाँ दो लगा हुआ है पश्चिम शब्द में क्षत्रिय है और दृष्टि शब्द में त्रिज है ये दोनों उसी प्रकार कहा गया है थीर में कहा गया अनित्यकर्ता में नहीं नित्य में कहा नित्य में कहा अनित्य क्रियाकर्ता को लेकर के नहीं कहा अनित्य क्रियाकर्ता जागृत होता था यहाँ तो नित्य है स्वरूप है उसको लेकर कहा ये बता दिया समय हो गया है नहीं रखते आगे रखता ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णं गच्छते पूर्णस्य पूर्णात्